दो तरह के लोग होते हैं एक जो कुछ देते हैं ones who contribute. और एक होते हैं जो लेते हैं हमारी जिंदगी में हमने दोनों रोल प्ले किए हैं हमने लिया भी है हमने दिया भी है लेकिन मेरा खुद का ऐसा एहसास रहा है कि जब जब मैंने ज्यादा लिया है तब तब मैंने कम लिया है और जब जब मैंने ज्यादा दिया है तब तब मैंने ज्यादा लिया है

लुकिंग फॉर उसके मन में क्या चल रहा होता है पहला पॉइंट क्या चलता है कितना पैकेज कितना सैलरी कितना सी टी सी कितना मुझे मिलेगा क्या फैसिलिटी मिलेगी ये कंपनी मुझे क्या क्या देगी तो वो पूरे आधा घंटा पौन घंटा पंद्रह मिनट जितना भी बैठा हुआ है वो एक ही आत्मा लेके बैठा हुआ है मुझे क्या मिलेगा मुझे क्या मिलेगा मुझे क्या मिलेगा मुझे क्या मिलेगा इस आत्मा से वो इंटरव्यू दे रहा है मुझे क्या मिलेगा उसके सारे सवाल उसका सारा एनालिसिस उसकी उसकी सारी सारी सोच समझ एक ही चीज से आ रही है मुझे क्या मिलेगा मुझे क्या मिलेगा अच्छा इसका बड़ा भाई वहां बैठा है अक्रॉस द टेबल कौन आंतरपुनर इसकी सोच क्या चल रही है ये मुझे क्या देगा ये मेरे यहां क्या क्या करेगा ये मेरे यहां और क्या कर सकता है ये मेरा बिजनेस कैसे बढ़ाएगा ये मेरे यहां कैसे फिट होगा ये भी लेने के चक्कर में एक भिकु भिखारी एक दूसरा भिकू भिखारी दोनों ने मिलकर भिखारियों की फेडरेशन बनाई है अभी एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है इमेजिन करो कि तुम्हारे पंद्रह बीस लोगों की मीटिंग होने वाली है बॉस ने कहा चलो मीटिंग है मीटिंग है आ जाओ पंद्रह लोग मीटिंग में आ गए और पंद्रह के पंद्रह लोग सब एक दूसरे से लेने के लिए आए हैं इससे क्या मिलेगा उससे क्या मिलेगा ये क्या बोलेगा ये क्या बोलेगा कोई पॉइंट देने नहीं आया है ये पंद्रह लोगों की भिकू भिखारियों की मीटिंग इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीबी भिकू भिखारी अभी ये भिखारियों की फौज में से क्या निकलेगा जब सब लेने के लिए आए हैं देने वाला कौन है बाबा तो जब कंपनी में एंट्री मारते हो सुबह सब लोग कंपनी में एंट्री मार रहे हैं। आज मुझे क्या मिलेगा कंपनी में देने वाला कौन है सो एवर यू आर आप घर जाते हो घर में पति आ रहा है कि मुझे क्या मिलेगा बच्चा घर में है मुझे क्या मिलेगा बीवी घर में है मुझे क्या मिलेगा सब भिकु भिखारी की माफी घर में है घर में शांति प्यार नहीं आएगा लेकिन जब सब देने की भावना से है तीर्थ स्थानों पर गया हूं जब कभी भी मैं मंदिरों में गया हूं मैंने दो चीज ऑब्जर्व करी है कुछ मंदिरों में मुझे बड़ी शांति मिलती है वहां जाके बड़ा आनंद आता है सुकून आता है और कुछ जगहों में जाके ऐसा लगता ही नहीं कि अपन कहीं अच्छी जगह है और उसका सबसे बड़ा कारण होगा कि जहां पर सुकून मिलता है वहां बहुत से लोग बहुत कुछ देने के लिए गए वो कभी मांगने के लिए नहीं गए देने की बात मैं नारियल और पैसे से नहीं कर रहा हूं वो शांति देने के लिए गए भगवान थैंक यू जो तूने किया बढ़िया है लाइफ बढ़िया चल रही है जिन जगहों पे लोग देने के लिए गए धन्यवाद देने के लिए गए कृतज्ञता के भाव प्रकट करने के लिए गए उन जगहों पर शांति मिलेगी जो सेवा करने के भाव से गए वहां पर शांति मिलेगी लेकिन जहां पर लोग भीकू भिखारी के माफी गए भगवान ये दे दे भगवान वो दे दे भगवान इसको उड़ा दे लाइफ से मेरी लाइफ में ये कहा एकदम शनि के माफिक आया हुआ है इसको टांग तोड़ दे इसकी ऐसी बातों से लोग जब जाते हैं तो ये सब कंज्यूम करते हैं वहां शांति नहीं मिलती तो अगर ये मंदिरों का हाल है तो ऑफिस में भी तो यही हाल होगा साहब जब सब देने की भावना से आएंगे तो ऑफिस कहां से कहां जाएगा कंपनी कहां से कहां जाएगी लेट्स ऑल गो देयर टू गिव इंद्र नुई द चेयरपर्सन ऑफ शी हैड अ स्टेटमेंट उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा और स्टेटमेंट में था अर्लियर इट वॉज इन्वेस्टिंग इन इंडिया अर्लियर इट वॉज इन्वेस्टिंग इन इंडिया टूडे इट इज डीलिंग विद इंडिया पहले हमारा स्लोगन हमारे मन में था वी हैव टू इन्वेस्ट इन इंडिया आज हम इंडिया के बारे में सोचते हैं इट इज ऑल अबाउट हाउ टू डील विद इंडिया इसका मतलब पिछले कुछ सालों में इंडिया हैज बिकम अ कंज्यूमर इन द इंटरनेशनल मार्केट इट इज नो मोर अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंटरनेशनल कंपनीज एंड मार्केट तो जब भी कंपनी में एक इंसान कंज्यूम करता है लेता ही रहता है लेता रहता है तो आसपास के उसके लोग सोचते हैं हाउ टू डील विद हिम हाउ टू डील विद हिम, इसके साथ क्या व्यवहार करें इसको कैसे डील करें उससे डील करने में एनर्जी खत्म हो जाती है यार लेकिन एक कंपनी में जो इन्वेस्ट करता है जो आदमी कॉन्ट्रीब्यूट करता है जो देता है तो कंपनी सोचती है लीडर सोचता है एमडी सोचता है इस पे इन्वेस्ट क्या करूं इस पे क्या दाव लगाऊं इस पे क्या पैसा खर्च करूं इसको क्या ट्रेनिंग दूं तो जब भी एक परफॉर्मर होता है जब भी एक कंट्रीब्यूटर होता है लोग उस पर दाव लगाते हैं सो प्ले द रोल ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर और जब हम सब मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट 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 करेंगे वी मे विल मेक अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्टोरी आई रेड इन वन ऑफ द कॉर्पोरेट मैगजीन्स के कंपनी जो अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहती थी उस कंपनी ने एक दिन अपने कंपनी के गेट के बाहर एक बोर्ड लगाया उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि आज एक कंपनी में एक बहुत ही अहम इंसान की मौत हो गई है आप सबसे रिक्वेस्ट है आप जाएं उसकी बॉडी रखी हुई है हमारे मीटिंग हॉल में तो सब लोग बड़े क्यूरियस हो गए ये कौन इंसान है जिसकी मौत हो गई और ये लोग सब दिखे करके जाने लगे उधर तो अपने काम में जाने से पहले वेंट टू द मीटिंग हॉल

you're the only one who's coming in between you and you're the only one who can take you to the next level nothing will change in your life if your boss changes nothing will change in your life if your wife changes nothing will change in your life if the world changes everything will change if you change